News 18, India. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी आज लालू प्रसाद यादव से नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ कर सकती है। लालू प्रसाद यादव को ईडी ने आज पटना में अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है, तो लालू के ऊपर अब एक तरह से संकट मंडराता नजर आ रहा है। नौकरी के बदले जमीन वाला मामला है, पटना में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के बुलाया है। 19 जनवरी को ईडी ने लालू यादव को इससे पहले समन भेजा था, तो आज कौन कौन से अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव से, तो उनकी मुश्किलें आज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए आज ईडी ने बुलाया है, कौन कौन से अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे इस बारे में अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो 19 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजा था, तो आज एक बार फिर पूछताछ कर सकती है लालू प्रसाद यादव से। और चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। चंद्रमोहन, क्या जानकारी, आज कौन कौन से ऑफिसर्स पूछताछ कर सकते हैं लालू यादव से? बिल्कुल, देखिए लालू परिवार के लिए अभी मुश्किल की घड़ी है। पहले तो हाथ से सत्ता चली गई और उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ के लिए बुलाया है। लंबी फहरिस्त है सवालों का, लैंड फॉर जॉब का मामला है जिसमें लालू परिवार के ऊपर राबड़ी देवी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उनकी बहन हो, इन सभी लोगों से पूछताछ होना है और आज लालू यादव को ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। सबसे अहम बात यह है कि लालू यादव वहां पर शामिल होते हैं या नहीं, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह से लालू यादव का नाम लैंड फॉर जॉब मामले में आया था, उसी को लेकर आज ईडी के दफ्तर ने उनके घर पर जाकर अधिकारियों ने 19 जनवरी को एक पत्र दिया था। बड़ी बात आप कह रहे हैं, सामने पेश होते लालू प्रसाद यादव या नहीं उस पर अब नजर रहेगी, क्योंकि हेल्थ का हवाला हमेशा से लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया जाता है। बने रहे हमारे साथ। ईडी के सामने तेजस्वी यादव आज पेश नहीं होंगे। ईडी ने आज तेजस्वी को भी पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, नौकरी के बदले जमीन मामले में यह पूछताछ होनी है। कल लालू यादव को भी ईडी ने दिल्ली बुलाया है, तो अब जैसा कि जो जानकारी मिल रही है, तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया गया था ईडी की तरफ से, तो वो अब पेश नहीं होंगे ईडी के सामने, तो ये भी बड़ी खबर है। अब तेजस्वी यादव को आज बुलाया गया था, लेकिन अब वो पूछताछ के लिए पेश नहीं होने वाले हैं। चंद्रमोहन कुमार लगातार हमारे साथ। चंद्रमोहन, इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ईडी के अधिकारियों ने 19 जनवरी को तेजस्वी यादव जहां अपने राबड़ी देवी के घर पर आवास पर मौजूद थे, 10 सर्कुलर रोड, वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी और हाथों हाथ समन दिया गया था, ताकि ये नहीं कहा जा सके लालू परिवार की ओर से कि वो उनको समन नहीं मिला है। ऐसे में अधिकारी पहुंचकर और वहां पर रिसीव कराए थे समन, और तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए दिल्ली जाना था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव नहीं जाएंगे, क्योंकि बिहार में कल तक वो उप मुख्यमंत्री थे और आज अब वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं, तो ऐसे में उनके सभी विधायकों को कल यह आदेश दिया गया था कि वो पटना में मौजूद रहे। आज तेजस्वी यादव हो सकता है कि मीटिंग करें अपने विधायकों और एमएलसी और सांसदों की जो टीम है उनके साथ, लेकिन तेजस्वी यादव के परिवार की ओर से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव आज जो दिल्ली जाना था, उनको समन जो दिया गया था पूछताछ के लिए लैंड फॉर जॉब मामले में, तेजस्वी यादव शामिल नहीं हो रहे। इससे पहले भी उनको समन दिया गया था जिसमें तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि पहले वो बिजी होने की वजह से, उनका पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। तो लालू परिवार के लिए ये बड़ी मुश्किल और संकट की घड़ी है। बिल्कुल, तो लालू परिवार के लिए मुश्किल की घड़ी है, लेकिन तेजस्वी यादव अब एक बार फिर से पेश नहीं हो रहे हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी, यानी दिल्ली वो नहीं आ रहे। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है नौकरी के बदले जमीन घोटाला और कब ये हुआ था। नौकरी के बदले जमीन घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ, लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए यह घोटाला हुआ था। लालू यादव और उनका परिवार, उन पर घोटाले का आरोप है। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। और यह भी बता दें आपको कि घोटाले के वक्त यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। तो यह पूरी की पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस वक्त से यह घोटाला शुरू हुआ था और क्या क्या ये आरोप है। लालू समेत उनके परिवार के कई मेंबर्स पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लिप्त होने का आरोप है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लालू और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर चुका है।
लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए, जैसा कि हमने आपको बताया, घोटाले का यह आरोप है। जमीन और जो तमाम प्रॉपर्टी है उसके बदले नौकरी देने का यह आरोप है। मुंबई, जबलपुर, कोलकाता में नौकरी देने का आरोप है। उसके अलावा जयपुर और हाजीपुर जोन में नौकरी देने का भी आरोप है। ये तमाम बातें हैं हम आपको बता रहे हैं, जो ये पूरा मामला है लालू यादव के परिवार पर, उनकी फैमिली पर जमीन लेने का आरोप है, ये भी बड़ा आरोप है। उसके अलावा सर्किल रेट से कम कीमत पर जमीन लेने का आरोप है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर। जमीन मालिक को कैश में भुगतान करने का भी आरोप है। तो ये तमाम आरोप जो है लालू प्रसाद यादव के ऊपर है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि आज उन्हें पेश होना है, तेजस्वी यादव दूसरी तरफ पेश नहीं हो रहे। और बिहार में नीतीश की नई सरकार बनने के बाद बिहार विधानसभा स्पीकर को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। स्पीकर अवध बिहारी को हटाने के लिए बीजेपी और जेडीयू अविश्वास प्रस्ताव लाए। अभी आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी, आपको जैसे कि मालूम है बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, 5 फरवरी को बिहार विधानसभा का पहला सत्र यानी पहला सेशन है जिसमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, अभी अवध के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। बिहार विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष हैं, सीवान सीट से ये एमएलए हैं, विधायक हैं, इन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो चुकी है। यानी बीजेपी और जेडीयू अब ये जो सरकार है उसको लेकर। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। चंद्रमोहन, अब ये पूरी तैयारी कर ली गई है कि अवध बिहारी को हटाया जाए, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, ये अब नई सरकार की तरफ से तैयारी? बिल्कुल, देखिए बिहार में नई सरकार बन गई है और नीतीश कुमार एनडीए के साथ एक बार फिर से गठबंधन कर मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ऐसे में जो बिहार विधानसभा के अभी अध्यक्ष हैं औध बिहारी चौधरी, वो आरजेडी कोटे से आते हैं और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 फरवरी से जो बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसमें उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और कल जब मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री आवास में जिसमें तमाम एनडीए विधायक दल के नेता बैठे थे, उसी समय जब ये प्रस्ताव जा रहा था कि अब नई सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार राजभवन पहुंचने वाले हैं, उसी समय सभी विधायकों से अविश्वास प्रस्ताव पर भी दस्तखत ले लिया गया कि अगर जब सेशन शुरू हो रहा है 5 फरवरी को नया, उस समय इनको हटाने के लिए, औध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके लिए तमाम विधायकों से भी हस्ताक्षर ले ली गई है। तो जब 5 तारीख को बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होगा उस दौरान उनको हटाने के लिए सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि बिहार विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो आरजेडी कोटे से आते हैं और ऐसे में एनडीए की जब नई सरकार बन गई है तो पहले अध्यक्ष बदले जाएंगे और उसके बाद फिर आगे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। ठीक है चंद्रमोहन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका।